हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टैली की एक और अमेजिंग टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और टैली की ये टीडीएल फाइल टैली की बाकी सारी टीडीएल फाइल्स की तरह के एडवांस टीडीएल है। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने किसी भी वाउचर को उसकी नरेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यानी जब भी आप टैली में किसी वाउचर में एंट्री करते हैं, तो उसकी नरेशन जो भी आप लिखते हैं उसकी मदद से आप अपने वाउचर को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली की एक एडवांस टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने किसी भी वाउचर को उसकी नरेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यानी जब भी आप टैली में किसी वाउचर में अपनी एंट्री करते हैं, तो जब भी आप उसकी नरेशन में कोई भी वर्डिंग लिखते हैं उसकी मदद से आप अपने उस वाउचर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे आपको पेमेंट और रिसिप्ट के वाउचर में उनके चेक नंबर से वाउचर को फाइंड करके दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यह हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है फाइंड वाउचर टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आप दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर में आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर में आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है मैनेज लोकल TDL, या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइल स्टार्टअप, इस पर यस कर दीजिए और नीचे वाले ऑप्शन में आके उस TDL फाइल को यहाँ पे पेश कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl Alt V। देन आप सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते आप देखेंगे यहाँ पे हमारी TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं कि TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस TDL फाइल को लोड करते हैं आप ऊपर गेटवे ऑफ टैली में सबसे नीचे की तरफ देखेंगे कि हमें एक नया ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड वाउचर्स। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएगा। तो आइए सिंपल हम यहाँ पे एक रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करके देखते हैं और उसकी नरेशन में हम उसके चेक नंबर को लिखेंगे, देन हम उस वाउचर को यहाँ पे फाइंड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री को कर लाते हैं। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए और सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर दीजिए, जिससे पेमेंट के वाउचर में आ जाएंगे। सबसे पहले अकाउंट, तो यहाँ पे हम कोटक बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमारी पार्टी का नाम रजत एंटरप्राइजेस, 1 लाख रुपीज। अब नीचे नरेशन में हम यहाँ पे अपनी कुछ ऐसी वर्डिंग लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे चेक नंबर लिख देते हैं। तो चेक नंबर में हम लिख देते हैं 1001। देन इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी पेमेंट की एंट्री को कर चुके हैं। तो आइए एक बार इसको फाइंड करके देखते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक न्यू विंडो शो हो रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है वाउचर नंबर और नरेशन। तो सिंपल हम यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं और वाउचर नंबर को भी लिख सकते हैं। तो नरेशन में हमने यहाँ पे लिखा था 1001। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे आप देखेंगे आपकी वही एंट्री ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप अपने किसी भी वाउचर और किसी भी एंट्री को यहाँ पे शो करा सकते हैं उसके वाउचर नंबर और नरेशन की मदद से। तो आइए एक बार हम रिसिप्ट्स की एंट्री भी करके देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर रिसिप्ट के लिए F6 की, कोटक महिंद्रा बैंक, RMX ऑटो इंडस्ट्री, 1 लाख। देन यहाँ पे नरेशन में हम लिख देते हैं 555। इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। दोबारा से फाउंड वाउचर, जैसे ही हम यहाँ पे 555 लिखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा वही वाउचर ऑटोमेटिक हमारा फाइंड हो गया है। तो टैली की काफ़ी यूजफुल और एडवांस TDL फाइल है। इस TDL फाइल की मदद से हमें किसी भी वाउचर को अगर फाउंड करना हो तो सिंपल उसकी नरेशन की वर्डिंग यहाँ पे लिख दीजिए या उसका वाउचर नंबर लिख दीजिए, तब भी ये फाइंड हो जाएगा।